practical projects gives a valuable hands-on experience to the students in the pursuits of their programs. कभी फिल्म स्कूल गया नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त अगर मुझे एक साल मिल जाए तो मैं फिल्म स्कूल जाऊंगा जरूर। आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, आई मिस्ड आउट ऑन द थियोरेटिकल एंड द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद सिनेमा। सिंस आई बीन मेकिंग सिनेमा, आई हैव ऑलवेज हैड द बर्डन दैट इट हैज टू रिलीज, इट हैज टू बी कमर्शियल, इट हैज टू बी। आई हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स जस्ट टू रिलीज दैट बर्डन। लास्ट ईयर आई मेड 4 शॉर्ट फिल्म्स all over the world, and the reason I'm doing that is going back to film school, because what they do here is make short films for no reason except that there is something in them that they want to make films about. Dono hi important hai, aisa nahi hai. Kuch log assistant ban gaye, director ban gaye, kuch log film school ja kar director ban gaye, lekin itna comprehensive koi school nahi tha jitna ye Whistling Woods hai, jahan acting ho, directing ho, editing ho, animation ho, अब तो एक MBA कोर्स भी है। आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो Whistling Woods में सब एक जब कैंपस पे ऐसे होते हैं, अलग अलग नहीं है। मैंने आज ये देखा कि सब डायरेक्शन स्टूडेंट्स एक दूसरे को, एडिटिंग को जानते हैं। इस मेल में अलग अलग, यू नो, यू इंस्पायर ईच अदर फ्रॉम वेयर एवर यू गो, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ अ कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे विचार आया इस तरह के फिल्म स्कूल खोलने का, उसमें एक बात बहुत ज़रूरी थी, मुंबई में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर जो बच्चे बाहर के शहरों में, गांव में रहते हैं और मुंबई का या अपने टैलेंट को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मुंबई में जगह नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मुंबई आते हैं तो सब प्रोफेशनल्स और टीम और यूनिट और प्रोड्यूसर अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तो उन्हें ज्वाइन करना पड़ता है, सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है सालों साल। उसके बाद वो अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आर्टिस्ट बनाते हैं, एक्टर बनाते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं। सो मैंने हमेशा सोचा कि इतने सालों से सिनेमा मुंबई में चल रहा है, स्टूडियोज बनाए गए, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, जैसे कि शेखर ने कहा कि एक कैंपस हो जहाँ पर कि 2 साल तक रहा जाए और फिल्म मेकिंग की जनरल नॉलेज हो और फिल्म एप्रिसिएशन, मीडिया स्टडीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए। और मेन जो ऑब्जेक्ट था मेरा बनाने का वो ये है कि आप यहाँ आकर अपने आप को डिस्कवर कीजिए। कई बार हम समझते हैं, मैं समझता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैंने इंडस्ट्री में आके देखा कि मैं राइटर और डायरेक्टर बन सकता हूँ। लेकिन ये जगह हम लोगों ने दी, जो 6 महीने का हमने फाउंडेशन कोर्स रखा, सो दैट यू शुड नो, यू कैन डिस्कवर, रीडिस्कवर एंड रीडिस्कवर योर सेल्फ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंडस्ट्री and many stalwart who come there, share their experiences, and like Shekhar ji is there, like Shami ji is here, like Gulzar saab. So ye sharing knowledge aapko assistant director hoke ya bahar se aake shayad na mil paaye, to mera ye main object tha obviously Woods ke. Luma films ka trailers bhi dekhe hon to aapne mostly dekha hoga ki jo writers aur directors the young, वो उनका ताल्लुक डीप रूटेड कैरेक्टर से था, गांव वालों से, कॉमन मैन से था। वो फिल्में आपको नहीं लगता था कि कोई हॉलीवुड की या वहाँ से इंस्पायर होकर वो फिल्में बनाई गई हैं। इसका मतलब कि उनकी जो स्किल है और उनका जो टेस्ट है वो डेफिनेटली एक नई तरफ है, ना कि हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी करें या उनके स्टाइल को या कल्चर को पकड़ें। पूरी फिल्म देखूंगा तो बता पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जो भी दिख रहा था इंटरेस्टिंग दिख रहा था, फोटोग्राफी अच्छी थी, कोई ऐसा लग रहा था कि कुछ इनोवेशन है, कोई नई नई चीज़ें, नए नए नया फिल्म का ग्रामर लेकर आकर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इसी बात पे जोर दे रहे थे कि जब दूसरे इलाकों से लोग आएंगे तो उनके साथ उनका सिर्फ कल्चर नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके थीम्स, उनका वो सारा कुछ उनके साथ आएगा, और वो सारा का सारा आप चर्न करेंगे, जब वो मिलेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको अपने एंटीनल्स खुले करने हैं और अपना दायरा देखने का वो बड़ा करना है। जब तक आप जिंदगी को अगर सिर्फ समझेंगे बस मुंबई में जो हो रहा है वही जिंदगी है, तो फिर आप उसी तरह की फिल्में बनाते रहते हैं, क्योंकि आपकी पैदाइश और आपकी तरबियत और आपकी जो ट्रेनिंग और सारी वो हुई है वो यहीं पे हुई, लेकिन इससे बाहर आप देखेंगे नहीं तो नहीं होगा।